जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बीएड के गॉर्जियस शानदार धाकड़ एजुकेशनल सीरीज में स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक शानदार एजुकेशनल सीरीज का शुभारंभ करवाया जा रहा है। आप सभी तो जानते ही हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड की पढ़ाई करना बेहद आवश्यक है। आज के समय में बीएड की पढ़ाई सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक अंग है। जैसा कि हम सब देखते हैं, बीएड की किताबें काफ़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को बीएड की पढ़ाई बोरिंग सी महसूस होती है। इसको ध्यान में रखते हुए कई विद्यार्थियों ने डिमांड की कि सर, हमारे लिए बीएड की स्टडी इंटरेस्टिंग बनाई जाए। बड़ी मेहनत से आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत ही सरल तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से बीएड की एजुकेशन को, बीएड के शानदार पाठ्यक्रम को आपके सामने पेश किया है। एक एजुकेशनल सीरीज के माध्यम से हम आपको हर यूनिट की, हर कंसेप्ट की बड़े ही सरल तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, गॉर्जियस फैंटास्टिक जबरदस्त तरीके से आपके सामने पेश किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा किया गया ये प्रयत्न आप से विद्यार्थियों को पसंद आएगा। आप से विद्यार्थी हमारे द्वारा किए गए इस मेहनत को अवश्य ही सराहेंगे और हम आपके सामने जो एजुकेशनल सीरीज रखने जा रहे हैं, यह आप सभी का मार्गदर्शन करेगा। यह मेरी फुल ऑफ गारंटी है कि जो विद्यार्थी हमारे द्वारा बताए गए इस एजुकेशनल सीरीज को बड़े ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ सुनेगा, समझेगा, वह विद्यार्थी बीएड में 100% कामयाब रहेगा, 100% रिजल्ट के साथ अपने जीवन में कामयाबी से आगे बढ़ेगा। साथियों, तो पेश है बीएड एजुकेशन की एजुकेशनल सीरीज का पहला पेपर, जिसका नाम है बाल्यावस्था तथा विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। साथियों, इस बुक में चार यूनिट हैं। पहला यूनिट है विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेज। अलग अलग स्टेज में बालक का विकास कैसे होता है, उसके शारीरिक मानसिक विकास में क्या क्या भूमिकाएं अदा की जा सकती है, किसी बालक का विकास कैसे होगा, इसे यूनिट नंबर 1 में हम सीखेंगे। सेकेंड यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग समझ होती है, अलग अलग बालक की अलग अलग समझ होती है। हम किसी बालक की समझ को कैसे समझ सकेंगे और उसका बौद्धिक विकास कैसे कर सकेंगे, इसको हम विस्तार से सेकेंड यूनिट में चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट है बच्चों तथा किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, थोटिकल प्रस्पेक्टिव्स टू इन्हेंस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। मतलब
बच्चे और किशोर जो हैं उनके बीच में कैसे हम अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाएं, उसके क्या सिद्धांत हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या मेथड्स हैं, इस पर हम विस्तार से इस यूनिट में चर्चा करेंगे। तथा फोर्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट है, अपवंचन तथा वंचित बालक, उनके समायोजन तथा शिक्षा के उपाय, डेप्रिवेशन एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन, मेजर्स फॉर दियर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन। जो बालक वंचित हैं उनका विकास कैसे हो, उनकी शिक्षा के लिए क्या विशेष प्रबंध करने होंगे, क्या कुछ करें जिससे वंचित बालक भी हमारे एजुकेशन में आगे बढ़ सकें, इन सभी को हम आपके सामने फोर्थ यूनिट के माध्यम से शेयर करेंगे। आपको चारों यूनिटों के सभी कंसेप्ट की विस्तार से चर्चा कराई जा रही है। तो चलिए, पेश है आपके सामने फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेज, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि और विकास का संप्रत्यय अर्थ तथा सामान्य सिद्धांत। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वृद्धि और विकास से क्या तात्पर्य है, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास की क्या संकल्पना है। तो चलिए वृद्धि और विकास के अंतर को ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और न ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। इसलिए वृद्धि और विकास का अर्थ जानना बेहद आवश्यक है। वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ आम तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के फलस्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार वृद्धि से मतलब हुआ शरीर आकार और भार में वृद्धि। हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। H.B. मेरिडिच के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है, दूसरा प्रमाण संख्या है। दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म होता है, तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना, चौथा प्रमाण है हृदय आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना, पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा ही होता है। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। विकास का अर्थ क्या है? विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की ओर अग्रसर करता है। विकास मैच्योरिटी की एक प्रक्रिया है।
अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर ही निर्भर करता है। जर्सिल्ड, टेलफ्रोड और सोरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हर लोग के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्षणों की परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा फैला हुआ है। विकास की प्रकृति निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। पहला, विकास की निश्चित पत्ति होती है। दूसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। तीसरा, विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। चौथा, विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा, विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। छठा, विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। सातवां, विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला, अर्थ में अंतर। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। दूसरा, वृद्धि और विकास की निरंतरता। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और न ही यह जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे। तीसरा, विस्तृत और संकीर्ण शब्द। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना गया है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। फोर्थ, परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। फिफ्थ, वृद्धि और विकास को मापना। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो पाता है तथा एक सफल नागरिक का रूप धारण करता है। ये सभी प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे विकास को एक अवस्था से दूसरी अवस्था को स्वाभाविक रूप में होते हैं तथा साथ ही साथ बालक की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करने की क्षमता में सहायक सिद्ध होते हैं। तो साथियों, हमने आज आपके सामने बताया कि वृद्धि और विकास क्या हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। इसे समझकर आप आसानी से इस प्रश्न का बहुत ही साधारण तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसीलिए वृद्धि और विकास को समझिए और अपना जीवन सफल बनाइए।
एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।